थाना इंदरगढ़ पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले 6 नफर अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमित कुमार आनंद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज अजय कुमार के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी तिरवा डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष पारुल चौधरी के कुशल नेतृत्व में थाना इंदरगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत डकैती की योजना बनाने वाले शातिर किस्म के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अभियुक्तों के पास से 2 अदद तमंचा, 315 बोर व 4 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर, 4 अदद मोबाइल फोन व 1 अदद आरी लोहा काटने वाली, 1 अदद प्लास, 1 व 1 गाड़ी व कुल नगद 5,880 रुपए बरामद किए गए। औरैया कन्नौज की बॉर्डर पे थाना इंदरगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक जाइलो गाड़ी को रोका गया। जाइलो गाड़ी में 6 लोग मिले और जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस, 315 बोर, 4 डंडे, काले कपड़े 3, 1 सफ़ेद रुमाल और अन्य औजार इनके पास से बरामद हुए। ये लोग से जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ ये सभी लोग ग्राम तिरको औरैया के रहने वाले हैं। इन सभी ये लोग अपराध करने के लिए निकले हुए थे और टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इनको बीच में पकड़ा। इनसे जो पूछताछ के क्रम में ये भी संज्ञान में आया कि इनके द्वारा पूर्व में थाना इंदरगढ़ में एक शराब ठेके से जो कर्मचारी जा रहे थे उनके साथ भी लूट की घटना करी थी तथा थाना तिरवा में भी इन्होंने एक जगह अटैम्प्ट किया था, वहाँ पर ये लोग विफल हुए थे। दोनों प्रकरणों में पूर्व में मुकदमा पंजीकृत है। जो अपराधी गिरफ्तार किए गए उनका नाम अनिरुद्ध शुक्ला, अश्विनी कुमार, कमलेश कुमार, बबलू राठौर, शोभरन सिंह, करण सिंह नाम है। ये सभी लोग ग्राम तिरको औरैया के रहने वाले हैं। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके ऊपर डकैती की योजना बनाने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो पूर्व में इनके द्वारा जो घटनाएँ की गई है उनके ऊपर पूर्व से ही मुकदमा पंजीकृत था। अन्य जो इनका आपराधिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, जितने लोग अभी विवेचना प्रचलित है, इनका जो रिकॉर्ड देखा गया है इनके द्वारा मल्टीपल बार मूवमेंट किया गया है इस क्षेत्र में। ये बॉर्डर के बेला की तरफ से आते हैं। 2 घटनाएं इन्होंने जो एक्सेप्ट की है उसमें इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की गई है और विवेचना प्रचलित है। जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में ये मालूम पड़ पाया किस तरह घटना अंजाम दे रहे, कैसे घटना करते, खाली चोरी करते थे, मारपीट भी करते थे, क्या ये पूरी तैयारी के साथ चलते थे। इनके पास डंडा है, साथ ही तमंचा भी है और इनके काले कपड़े लेके चलते हैं जो अपने पहचान छुपाने के लिए मुंह पे बांध कर चलते हैं। इन्होंने जो बताया जरूरत पड़ने पर ये मारपीट भी करते हैं, जो कि थाना इंदरगढ़ में पूर्व में जो शराब के ठेकों से कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई थी और जो थाना तिरवा में घटना जो विफल हो गई थी उसमें भी जो वादीगढ़ थे उनके साथ इन्होंने मारपीट करी थी। और थाना तिरवा में मौके से जो वादीगढ़ उनका विरोध किया था तो ये लोग भागे थे, तो मौके से इनका एक तमंचा भी उस समय छूटा था। ये पूरी तैयारी के साथ चलते और थाना इंदरगढ़ ने बहुत ही अच्छा काम किया, साहसिक काम किया और एक जो घटना हो सकती थी उसको रोका और इन जो शातिर अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की।